तो आज की हमारी क्लास में गरिमा जी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूले। तो पहले हमने गरिमा जी आपको 2 घंटे की एक रिकॉर्डिंग दी थी ताकि आप देख लें, क्योंकि फॉर्मूले में थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम थी तो आपने देख लिया। अब चलिए हम बात करते हैं उसी चीज पे कि फॉर्मूले आके हम इस्तेमाल करते क्यों हैं। जैसे फॉर्मूले का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब कि आप जो है कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल होगा या लॉजिकल होगा या टेक्स्ट होगा या डेट एंड टाइम होगा। तो जो कैलकुलेशन करना है उसके लिए हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे फंक्शंस अलग अलग कैटेगरी का है। फंक्शन जिसको हम आम भाषा में फॉर्मूला कहते हैं, बट एक्सेल में एज ए सिस्टम नेम उसका फंक्शन होता है। अब इसमें हम बात करते हैं क्या है फंक्शंस। देखिए कैलकुलेशन और फंक्शन में पहले डिफरेंस समझ जाइए। जैसे मैंने यहाँ पे 52 लिखा, यहाँ पे 60 लिखा। अब मुझे अगर फंक्शन इस्तेमाल करना है तो मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा, रिजल्ट आ गया। कैलकुलेशन करना हो तो मैं इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा। दिख गया 112। अब दोनों में क्या डिफरेंस है इस चीज को समझते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस ये है कि ऊपर वाला जो लगा हुआ है सम का फॉर्मूला, ये हमारा इनबिल्ट फॉर्मूला है। इनबिल्ट फॉर्मूला लिमिटेड है, आपके किसी भी तरह की कैलकुलेशन के लिए इनबिल्ट फॉर्मूला अवेलेबल हो इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन ये हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हम मैथमेटिकल ऑपरेटर की मदद से किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया, और ये आपका डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया, और ये आपका प्लस हो गया, एक और आता है पावर। किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के कोई भी इक्वेशन देखिए, उस इक्वेशन में चाहे जो भी हो होता तो चार ही है, पांच, ये पांच ही ऑपरेटर होते हैं ना, चाहे ए प्लस ले, बी प्लस ले, सी प्लस ले, होल स्क्वायर ले, होता तो यही है। तो मैथमेटिक्स में यही पांच ऑपरेटर हैं जो पूरी मैथमेटिक्स को रूल करते हैं। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कब? जब आपको ऐसा लगा कि आपके काम के लिए जो चाहिए वो फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है तो आपके कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे मुझे यहाँ क्वार्टर वन क्वार्टर टू की सेल दी गई है, मुझे क्वार्टर टू में ग्रोथ पता करना है कि क्वार्टर वन के अकॉर्डिंग कितना ग्रोथ हुआ, क्वार्टर वन के अकॉर्डिंग हमारा कितना ग्रोथ हुआ, ठीक है जी। तो इसके लिए मैथमेटिक्स का जो रूल कहता है वो कहता है कि लेटेस्ट मतलब क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन। तो यहां हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, एंटर प्रेस कीजिए, आ गया रिजल्ट। परसेंटेज का फॉर्मूला दीजिए, ये आपका जाएगा कि -38% ग्रोथ हुई है, मतलब कि ग्रोथ गिरा है, ठीक है हां जी। इसी में अगर हम आगे देखते हैं तो मान लीजिए मुझे प्रिंसिपल हमारे पास 50,000 है, रेट हमारा मान लीजिए 3% है, टाइम मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 5 साल है। मुझे यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करना है। अब अमाउंट कैलकुलेशन के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन क्या कहता है, चलिए इस पर बात करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि अमाउंट ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय एल पावर ऑफ टी। रिकॉर्डिंग को परमिशन दे दीजिए प्लीज जी, अभी दे रहा हूँ। तो ये हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। तो क्या करें इसके लिए, तो इसके Recording लिए in progress. इसके लिए हम चलिए बात करते हैं, पर प्रॉब्लम है कि इतना लंबा कैलकुलेशन है ना,
एक सेल में करना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है कि एक सेल में होगा कैसे। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, टुकड़ों में कर रहे हैं। देखिए यहां पे इक्वल हमने लिया, पहले बोला इसको आर डिवाइड बाई 12 मतलब कि एन, और फिर इसमें वन प्लस हमने ये ले लिया। तो ये दोनों इक्वेशन से ए इक्वेशन तो हो गया हमारा वन प्लस आर डिवाइड बाई एन, फिर आता है टी मल्टीप्लाई बाई एन। तो हमने यहाँ पे टाइम को लिया मल्टीप्लाई बाई 12 कर दिया। हम दोनों के बीच में पावर लेते हैं, पावर ये हमारा आ गया, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिजल्ट आपके सामने 58080, ठीक है। अब रिजल्ट तो हमारा आ गया, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है कि एक कई सारे सेल्स में आया है, मुझे इसको एक सेल में करना था ना। तो हम फॉर्मूला मर्जिंग मेथड अप्लाएंगे, जैसे कि C15 है यहां पे, और C15 पे एक कैलकुलेशन है, तो C15 की कैलकुलेशन को फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, एस्केप प्रेस करके बाहर आएंगे और C15 के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा इक्वल कॉपी नहीं कीजिएगा और पेस्ट हमेशा ब्रैकेट में कीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं आसानी से, फिर यहां हम आते हैं, इसको हम इसको कॉपी करते हैं और यहां जहां B11 है B11 की जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे, नहीं माफ कीजिएगा ये यहां होगा D15 होगा ना, D15 के जगह पे D15 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया। फिर वापस E15 पे आए, हमने फॉर्मूला कॉपी किया, एस्केप प्रेस किया और फिर यहाँ E15 के जगह पे ब्रैकेट में पेस्ट कर दिया। अब मैं इन दोनों को डिलीट कर सकता हूँ। फिर वापस आते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ आते हैं, F15 के जगह पे F15 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, कट कीजिए और इसको यहाँ पे रख दीजिए। अब इतना लंबा फॉर्मूला में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती थी, एरर हो सकता था, बट यहाँ हमने उस एरर को ठीक कर दिया, समझे? हाँ जी, हाँ जी, समझ गया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? आया बने सर? हाँ जी, हाँ जी। चलिए अब आगे हम इसी पे एक और इक्वेशन, इसको बोलते हैं फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऑफिस में आप जब करेंगे तो कई सारे फॉर्मूले को हम एक साथ लगाने की कोशिश करेंगे, जिसको हम लोग फॉर्मूला नेस्टिंग भी कहते हैं, उसमें मर्जिंग मेथड आपको आएगा। क्योंकि एक बार अगर फॉर्मूला को आप लगाएंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, समझे? एक साथ जब इसको लगाएंगे तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई गलत पेस्ट हो जाए कहीं और, कहीं पे कुछ और हो जाए, इन चीज़ों पर। अब अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि हमें MRP निकालना है। तो MRP का रूल क्या है, मैं भी आपको एक मिनट बताता हूँ।
चलिए, तो इसका जो रूल ये है कि 5% जो है डिस्ट्रीब्यूटर, इसका बोलते हैं मैन्युफैक्चरर, अपना जो लागत है उस लागत का 5% अपने लागत में जोड़ के और दे देता है डिस्ट्रीब्यूटर को। देन डिस्ट्रीब्यूटर अपने लागत का 10% निकालता है और अपने लागत में ऐड कर देता है और दे देता है किसको, होलसेलर को। होलसेलर अपने लागत का यहाँ 15% निकालता है और जोड़ के किसको दे देता है, रिटेलर को। एंड रिटेलर अपने लागत की 20% ऐड करके किसको देता है, कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर इज द योर एमआरपी। अब कैलकुलेशन तो अलग अलग किया, अब चलिए इसको मर्ज करते हैं ताकि एक सेल में हो। सबसे पहले इसको लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर हम C18 में पेस्ट कर देते हैं, लेकिन ब्रैकेट में, वरना क्या होगा, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी आपकी। मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ जी हाँ। तो डिलीट करने के बाद एक बार अपना रिजल्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे रिजल्ट में चेंजिंग है, मतलब कि आपने गलती किया, फिर अंडो कीजिए और दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट कीजिए। यहाँ पे D18 देखिए गलत किया हमने, C19 हमने D18 को चेंज कर दिया था, इसको डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे F18 पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, वापस इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ जहाँ D19 है उसके जगह पे हम पेस्ट कर देंगे और D19 यहाँ भी है इसके जगह पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। डैन यहाँ हम D19 कॉपी करते हैं, E18 के जगह पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसको डिलीट कर सकते हैं, हम इसको कॉपी किया हमने और यहाँ हमने E19 के जगह पे हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ भी हमारा E19 है, इसके जगह भी हम E19 के जगह पे E19 का डेटा पेस्ट कर देंगे और इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ आते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे F18 के जगह पे F18 का डेटा पेस्ट कर देते हैं। फिर इसको कट करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है सर, आया समझ में आपको? तो ये जो है हम, आप देखिए इतना लंबा फॉर्मूला आप लिख पाते नहीं। देखिए हमने क्या किया, फॉर्मूले को पहले तोड़ दिया अलग अलग सेल में, देन उसको हमने कंबाइन कर दिया एक सेल में। यही होती है फॉर्मूला लर्निंग मेथड, ठीक है, मर्जिंग मेथड।